स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईटी पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम हेक्सागनल हेडेड बोल्ट की ड्राइंग बनाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको जो बोल्ट का डाया गिवन है वो कितना है, 30 mm। तो आपको हेक्सागनल हेडेड बोल्ट की ड्राइंग कंप्लीट करनी है जिसमें आपको डाया गिवन है 30 mm। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर अपनी सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ करोगे। ये आपका बोल्ट का टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। तो जो आपने ये सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ करी है, यहाँ पर इसका आप टॉप व्यू बनाओगे, इसके ऊपर इसका फ्रंट व्यू इधर ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हम टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आप ये वाला जो बार वाला ये वाला डॉटेड सर्कल है ये ड्रॉ करोगे। इसकी जो रेडियस आपको कितनी रखनी है, 15 mm, ठीक है। जो हमें डाया गिवन है 30 mm, तो 30 mm के अकॉर्डिंग हमें ये सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। इस सर्कल का जो हमने डाया रखा वो कितना है, 30 mm। तो आपको अपनी कंपास में 15 mm की दूरी लेकर, ठीक है, त्रिज्या खोलकर ये सर्कल ड्रॉ कर देना। ये सर्कल आपको डॉटेड रखना है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, ये सबसे बाहर वाला जो सर्कल है ये वाला चैम्पर सर्कल, ये आप ड्रॉ करोगे। इसका जो डाया हमें गिवन है कितना है, 1.5D + 3 mm, ठीक है। तो 1.5D + 3 mm की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, D की वैल्यू आप क्वेश्चन से पुट करोगे, तो ये कितनी आई, 48 mm। तो 40 mm क्या हुआ आपका डाया। तो आपको रेडियस कितनी लेनी है, 24 mm। 24 mm की त्रिज्या लेकर, रेडियस लेकर यहाँ पर कंपास रखकर आप दूसरा सर्कल ड्रॉ करोगे। इस तरीके से जब आपके दो सर्कल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या करोगे, आप इसके ऊपर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे और एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना ये तीनों जो लाइन है बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल रहे, समांतर रहे। इसके बाद क्या करोगे, आप अपना सेट स्क्वायर यूज करोगे। सेट स्क्वायर कौन सा यूज करना है, 60-30 degree वाला, ठीक है। जो 60-30 degree वाला आपका सेट स्क्वायर होता है वो वाला यूज करना है। और इस तरफ आपको इसमें 60 degree का कोण रखना है इस तरीके से, और इसको अपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस तरीके से आगे रखना है ताकि ये सर्कल को टच करे, और इसका नीचे वाला जो सिरा है बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल रहे, ठीक है। और यहाँ पर रखते हो, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से। उसके बाद अपने सेट स्क्वायर को इसके बिल्कुल सामने वाली साइड में लेके जाओगे, यहाँ पर रखोगे, बिल्कुल सेट स्क्वायर सीधा रखना है, और यहाँ पर सर्कल से टच करते हुए लाइन ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद दोबारा से सेट स्क्वायर को घुमाओगे इस तरीके से, इधर आपका ये 60 degree का कोण है, इधर इसमें ये 30 degree का कोण है सेट स्क्वायर में, और इसको इस तरीके से रखना है कि ये जो नीचे वाला इसका एज है ये बिल्कुल लाइन के पैरेलल रहे, और आपको यहाँ से टच कराते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद दूसरी सिरे पर, जहाँ पर आपकी ये लाइन यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस को कट करे, इस पॉइंट पर रख के इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दोगे इसके चारों तरफ। तो ये आपका टॉप व्यू कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन है आपकी, ये आप इरेज कर दोगे। इरेज करने के बाद अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर आप एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करोगे। ये आपकी रेफरेंस लाइन हुई, इसके ऊपर हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे अपने बोल्ट का। तो ये जो रेफरेंस लाइन आपको लगभग 10 mm की दूरी पर लगा लेनी है अपने टॉप व्यू से। इसके बाद यहाँ पर हम अपना फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे बोल्ट का। तो इसके लिए क्या करोगे, ये जो आपके कॉर्नर पॉइंट है बार वाले, दोनों कॉर्नर पॉइंट से सीधा ऊपर प्रोजेक्टर लेके जाओगे इस तरीके से। प्रोजेक्टर लेकर जाने के बाद ऊपर आपको नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ करना है। इसकी जो लंबाई है वो हमारी कितनी होती है, लेंथ ऑफ शैंक की लेंथ, जिसका फॉर्मूला कितना होता है, 3D। डी की वैल्यू आप क्वेश्चन से पुट करने के बाद ये कितनी है, 90 mm। तो आपको इस बिंदु से ऊपर 90 mm की दूरी पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद जो हेड की थिकनेस है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.8D। 0.8D की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 24 mm। तो हमने क्या किया, 24 mm की दूरी पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी। ये आपका ऊपर वाला हेड हुआ। इतनी ड्राइंग बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, इसका जो नीचे वाला जो ये सैंक है ये ड्रॉ करेंगे। उसके लिए क्या करोगे, जो अंदर वाला सर्कल है ये, इससे सीधा ऊपर प्रोजेक्टर लेके जाओगे, ठीक है। इनके दोनों पॉइंट से इधर सीधे प्रोजेक्टर आपको लेके जानी है। उसके बाद क्या करोगे, ये दो जो लाइन है हेड के अंदर आपके हेक्सागन की, ये आपको ड्रॉ करनी है। तो आपके ये जो कॉर्नर पॉइंट है, जो आपने ये टॉप व्यू बनाया, इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के, ये वाली लाइन के कॉर्नर पॉइंट है, इन कॉर्नर पॉइंट के बिल्कुल सीध में आपको दो लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से।
उसके बाद ये जो आपकी ड्राइंग है इसको आप हल्का सा डार्क करोगे, बाकी जो ग्रीन वाली लाइन है आप देख रहे हो ये आपकी बिल्कुल लाइट रहेंगी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर ये आर्क लगानी है, ये वाली चैम्पर आर्क। तो इसके लिए क्या करोगे, इस सेंट्रल एक्सिस पर इसकी रेडियस मार्क करोगे। पहले रेडियस की लंबाई कितनी रखनी है आपको, 1.5D+3mm, ठीक है। तो हमने 1.5D+3mm की दूरी पर जो इसकी वैल्यू कितनी है 48mm, तो इस बिंदु से नीचे कितना 48mm की दूरी पर एक मार्क लगाया। उसके बाद कंपास को यहाँ पर रखोगे और इस बिंदु तक खोलकर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दोगे इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे इसके बिल्कुल नीचे। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद आप अपने फ्रेंच कर्व के द्वारा यहाँ पर हल्का सा कर्व बना दोगे, ठीक है। फ्री एंड भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों सिरों पर दो कर्व ड्रॉ कर दोगे। अगर आपको पूरे प्रोसीजर से सोल्व करना है इसको, तो हमने हेक्सागन नट बनाया था उसमें बता रखा है कि यहाँ पर ये वाली जो आर्क है किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अब इसके बाद क्या बचा, नीचे वाला आर्क। तो इसके लिए इसका सेंटर पॉइंट निकाल लोगे। सेंटर पॉइंट कहाँ पर होगा इसका, आर की वैल्यू किसके बराबर है, डी। डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 30। तो इस बिंदु से ऊपर कितना 30mm की दूरी पर एक मार्क लगाओगे। अब क्या करना है, यहाँ पर कंपास रखकर यहाँ तक रेडियस लेकर आपको आर्क ड्रॉ कर देनी है। अब आपको इसकी जो थ्रेड है वो शो करनी है इसके ऊपर। जो थ्रेड की लंबाई है वो कितनी होती है, 2D+6mm, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करोगे। जो अंदर वाला सर्कल है उसका डाया कितना रखना आपको, 0.8D। 0.8D की वैल्यू कितनी है, 24mm। तो आप अपने प्रकार में 12mm, ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर है, डाया के बराबर है। तो आपने अपनी कंपास में रेडियस लेनी है 12mm। तो 12mm की रेडियस लेकर यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दोगे और अंदर वाला सर्कल ओपन एंडेड रखना, ठीक है। इसको कहीं से भी थोड़ा सा इरेज कर देना। उसके बाद यहाँ से दोनों पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर लेके जाओगे इस तरीके से, ठीक है। और इसकी ये जो लंबाई है 2D+6mm जहां तक हमारी थ्रेड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 66mm। डी की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 66mm। तो आपको यहाँ से लेके इस पॉइंट से 66mm की दूरी पर ये हल्का सा लाइन लगा लेनी है, मार्किंग कर लेनी है, वहां तक इसको आप डार्क करोगे, ठीक है। यहाँ तक की जो लंबाई रखनी है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी रखनी है आपको, वो कितनी रखनी है, 66mm। और इसको हल्का सा टेपर कर दोगे दोनों तरफ। तो इस तरीके से आपका हेक्सागनल हेडेड बोल्ट की ड्राइंग कंप्लीट होगी। तो आइए बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आईटी संबंधित सब प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आईटी पाठशाला के साथ बने रहिए। थैंक यू।